हरियाणा के विभिन्न जिलों में राइस मिल मालिकों द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदी गई सरकारी धान में हेरा फेरी का मामला सामने आया है। मिल मालिकों द्वारा खरीदी गई धान को बड़ी मात्रा में खुर्द बुर्द किया गया है, जिसकी शिकायत मिलने पर सीएम फ्लाइंग टीम ने यमुनानगर की 4 राइस मिलों पर रेड की और इस दौरान जब वेरिफिकेशन की तो पता चला कि 2560 क्विंटल धान गोदाम से गायब है। जी हां, सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के दौरान अर्णव एग्रो फूड में 400 क्विंटल, कौशल्या देवी राइस मिल में 290 क्विंटल, राघव एग्रो फूड में 890 क्विंटल व हरे कृष्ण राइस मिल में 980 क्विंटल धान कम पाई गई है। इन चारों राइस मिल मालिकों पर 58,23,000 रुपए की रिकवरी डाली गई है। अगर तय समय में रिकवरी की राशि जमा नहीं कराई जाती तो इन चारों मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीवी करी थी फिजिकल वेरिफिकेशन, तो उसमें 4 राइस मिल में अलग अलग जो क्वांटिटी वो कम मिली है। तो जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के पास राइस मिल है हरे कृष्णा, उसमें 980 क्विंटल की शॉर्टफॉल मिला है। तो पार्टी को जो हमने नोटिस जारी कर दिया, वो जो हमारी MSP की जो पेमेंट बढ़ती है और प्लस में इंटरेस्ट और प्लस में जो है मार्केट फीस वगैरह सारा लगा के, और हमने लगभग 22 लाख रुपए के करीब जो उसको नोटिस जारी कर दिया कि 22 लाख रुपए हमारे जमा कराओ, तो हमारे हेड में वो पैसे जमा करा दिए। तो एक ही परिवार के सर सारे मिल रहे? नहीं, ये राइस मिल तो अलग अलग हैं, कुछ हैफड की हैं, कुछ एक हमारी है, बाकी की हैफड की। तो हैफड वाले टीम साहब की जो है देखेंगे। नहीं सर, इसमें एक ही परिवार की मिले हैं राइस मिले हैं अलग अलग? नहीं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो तो रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता लगेगा कि भाई ओनर तो एक नहीं हो सकता, अलग अलग ओनर मिलेंगे। नहीं, प्रॉपरली ही डिपार्टमेंट जो है पीवी करवाए हैं। नवंबर में भी हमने पीवी कराई थी फिजिकल वेरिफिकेशन, तो उसमें राइस मिल में इतना बड़ा है तो उसमें हो सकता है कि भाई तो थोड़ी बहुत ही इधर उधर हो, लेकिन जो है फिर भी पूरी निगरानी इंस्पेक्टर के माध्यम से हमने जो है राइस मिलों पर रखी हुई है, और फर्दर भी आगे भी फिजिकल वेरिफिकेशन कंटिन्यू रहेंगी, तो उसमें जो भी डिस्क्रिपेंसी मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर, यदि फाइन नहीं जमा कराते तो क्या कार्रवाई रहेगी अगली? नहीं नहीं, क्यों नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट की पैडी है। पिछले साल भी जो शॉर्टफॉल मिला था उसमें पैसे जमा करवाए थे राइस मिलर में, करवाएंगे। गोदाम में हजारों क्विंटल धान गायब होने से ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यमुनानगर में जिन चारों राइस मिलों में धान गायब हुए हैं, वो मिलें एक ही परिवार की हैं, जो कि अलग अलग सदस्यों के नाम रजिस्टर्ड हैं। बहरहाल हरियाणा में राइस मिल मालिकों द्वारा खरीदी गई धान में अक्सर हेरा फेरी की खबरें आती हैं, जुर्माने भी लगते हैं, कानूनी कार्रवाई भी होती है, लेकिन बावजूद इसके धान घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे। यमुनानगर से सुरेंद्र, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।